नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के बटाला रोड पर बने पुल पर एक कार और मोटरसाइकिल की हुई जबरदस्त टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की पुल से नीचे गिरने से मौत। अमृतसर में एक युवक की लावारिस लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पा रही पहचान। लहरा गागा के एक गांव लहल कला के एक अहाते में चार चोरों ने 400 अंडे किए चोरी, मालिक ने दो को दबोचा। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के बटाला रोड पर बने पुल पर एक कार और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार पुल से नीचे जा गिरा, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं राहगीरों द्वारा मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल लाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार शिरोमणि कमेटी का कर्मचारी था, जिसकी कार के साथ टक्कर हो गई है, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये मजीठा रोड पुलिस का मामला है और थाना मजीठा रोड की पुलिस मौके पर पहुंच रही है, जो कि इस मामले की जांच कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इतने एक्सीडेंट होया तो बंदे मोटरसाइकिल आन दिया ही श्रोमणी कमेटी का कोई, तो जो उत्ते आया वा तो गड्डी के नाल वजा सानू राहगीर ने दसिया थले डिग पिया, थले राहगीर ने चुके खड़िया वा, हॉस्पिटल दाखिल कराया। बाकी गड्डी इतने लगी है तो मोटरसाइकिल भी इतने आ, नहीं ये नहीं पता श्रोमणी कमेटी वाला आया ही कि बंदा वो ही पिछे आन दिया ही, वो चलिया गया वा। नहीं अजे तो कोई गलबात नहीं, अजे मजीठा रोड वाले जो एरिया उन्होंने पेगा तो उन्होंने आना, वो देखेंगे की ना उत्ते कैमरा ही है नहीं कोई कैमरा। अमृतसर में एक युवक की लावारिस लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए पहचान के लिए अस्पताल में रखवा दिया। इससे संबंधी सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि शव के पास से एक बैग मिला है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अगर पता चलता तो कानूनी कार्रवाई करके शव को परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज तकरीबन 7:45 बजे इन्फॉर्मेशन मिली ही भी ये एक डेड बॉडी हॉलीवुड सिटी स्कूल के लागे जी पई हुई है, तो मौके पर पहुंचे जिस दिन मैं मेरा GSI राजेंद्र कुमार जो मौके पर पहुंचे, जो तो बाद देखा गया कि ये को बैग पिया से एक काले रंग का ट्रैक सूट पाया, ये हरे रंग की टी शर्ट पाई हुई है, चिट्टे रंग के बूट पाए हुए हैं। आस पास के लोगों को आइडेंटिफिकेशन कराने की काफ़ी कोशिश की, बैग के भी ये कोई आइडेंटिफिक प्रूफ नहीं मिले और ना ही कोई ये बारे कोई शिनाख्त पर पाया। यदि डेड बॉडी को कार्रवाई करते हुए असं 72 आवर वास्ते मोर्चरी रखवा रहे हैं, अगर यदि कोई शिनाख्त होगी तो तुरंत वो वारसों के हवाले की जाएगी कार्रवाई करने उपरंत और जड़ी भी कार्रवाई में चलाई जाएगी, इश्तिहार शुरू जारी कर रहे हैं। आपने महंगी और कीमती चीजें चोरी होते हुए सुनी होगी, पर हम आपको संगरूर जिले के लहर गागा इलाके के गांव लहल कला का एक मामला बताने जा रहे हैं, जहां चोर बीती रात्रि 12 बजे शराब वाले अहाते का ताला तोड़कर अहाते में पड़े 400 अंडे चोरी कर फरार हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही अहाता मालिक ने खुद मौके पर पहुंचकर चोरी कर रहे दो चोरों को दबोच लिया, जबकि दो चोर फरार हो गए। पकड़े गए इन चोरों ने गांव वालों के सामने किसानों के खेतों में तारे चोरी करने की वारदात भी कबूली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मेरा हाथ तक रहे हुए जी ठेके से, यह बंदा मेरा जिंदा तोड़ रहा है, मैंने जोड़ा करेंदा होंगे उन्हें फोन कर कहता भाई तेरी दुकान लुट्ट लग रहा बंदा, उस टाइम भज के इन फड़े रात को फड़े बंदे। समान चोरी होया कुछ? समान चोरी होया जी, अंडे उंडे लेके चक के भज गया जी भाई उरे, कई बंद अपने मोटर दारा के स्टार्टर भी चक लेना ने, बाकी एक गरीब बंदा मेरे नाल खड़े जी, इन्हें हाथ तक रहा ठेक पिछले पासे वह पट के ये अंडे के ट्रे एक सिलेंडर वगैरह ले गए, सिलेंडर ले गए ने जी, तो हम कुछ कहना सिलेंडर ले गए जी एक चक्के,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਤੇ ਲੀਲ ਕਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਲਵੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ CID ਕਰਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਦਕੇ ਗਏ। ਦੋ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਜਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 103 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 457-380-379 IPC। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 450 ਅੰਡੇ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪਾ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਲੇਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਵਾਸੀ ਬੱਲਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 103 ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਨਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ PA ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ACP ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਜਾਲੀ PA ਬਣਕਰ ਨਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੀ ਸਰੇਆਮ ਠੱਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਠੱਗੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ 3 ਦਿਨ ਕਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਸੇ ਆਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਸੇਮ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 23,500 ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 419-420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਸੂਏ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਸੂਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਲਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਓਫ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅੰਧੇਰੀ ਵੈਸਟ ਬੋਂਬੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ, 419, 420, 467 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਦਸੂਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ 420 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ADCP ਆਦਿਤਯ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਕ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਕ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ADCP ਆਦਿਤਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ ਮੈਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਅਨਹੋਨੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
इस दौरान एसीपी निर्मल सिंह, एसएचओ मुकेश कुमार सहित अन्य फोर्स मौजूद रही। उन्होंने भी शहरवासियों से अपील की है कि पुलिस का सहयोग किया जाए, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देख लो भी जरा लॉ ऑर्डर है उन्हें मेंटेन करने वास्ते जो माड़े आंसर है उन्होंने खिलाफ असी बड़े मैसेज देने वास्ते बड़ा फ्लैग मार्च असं कंटिन्यू असं करवा रहे हैं। कोई एरिया भी रखे गए हैं माड़े आंसर असं इन जनरल बेसिक जनरल लॉ ऑर्डर वास्ते फ्लैग मार्च कटिया जा रहा रस्ते लोगों की चैकिंग वगैरह भी की जा रही असी तुम्हें पता है कि शहर के सारे शहर के नाके भी लगे है पूरी नाके भी लगे है नाल असी पूरी पेट्रोलिंग सर्च ऑपरेशन भी चलाएंगे। कल भी मान्योग सीपी साहब परसों खुद फील्ड से खुद आए थे उन्होंने खुद चैकिंग की थी तो सारे सीनियर अफसर साहिबान एडीसीपी डीसीपी सारे सीनियर अफसर साहिबान है वो फील्ड से उतर के वो सारा अपना जोड़ा है सुपरविजन वो देख रहे हैं। पेट्रोलियम के बधाई भी गई है पेट्रोलियम बधाई भी गई है नहीं पेट्रोलिंग तुम देख सकते हो कि तो पेट्रोलिंग का पेट्रोलिंग के बारे तुम देख रहे हो कि जिसी असी जोड़ा है इस तो अलावा जोड़े असी न्यू व्हीकल भी जोड़े 112 के नवे व्हीकल है वो भी एड भी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया बरनाला पहुंचे और पूर्व विधायक व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो की रिहाइश पर मीडिया से रूबरू हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेहत, शिक्षा, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े स्तर पर भारत ने तरक्की की है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ओर देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, गरीबों के अलावा हर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई जिससे देश के लोगों को बड़े स्तर पर फायदा हुआ है। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हर जिले का प्लान बनाया गया है जिसके तहत बरनाला जिले में भी हेल्थ केयर सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें इमरजेंसी हालात में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार को जल्द आदेश दे दिए जाएंगे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सभी स्टेट का सभी डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाया है। ये प्लान के मुताबिक आपके यहाँ बरनाला में भी एक 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट जिसमें वेंटिलेटर की फैसिलिटी हो, जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो, क्रिटिकल सिचुएशंस में वो काम में आए, इसलिए एक फैसिलिटी यहाँ क्रिएट होनी है और तुरंत ही यहाँ काम शुरू करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को कहेंगे। हेल्थ एंड देश में 155,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि हर 5-6 हज़ार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर था उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को एडिशनल खर्च करके अपग्रेड किया। भारत सरकार हेल्थ सेक्टर में प्राथमिक आरोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए भी आर्थिक सहयोग करती है, उसमें 60% खर्च अच्छा आपके लिए उपयोगी होगा। हेल्थ क्योंकि हेल्थ में जो काम होता है ना वो स्टेट सब्जेक्ट होने से हमारी मशीनरी नहीं होती है लेकिन सारा काम स्टेट के द्वारा होता है, तो हेल्थ का आपके स्टेट में क्या क्या खर्च भारत सरकार की ओर से आपके सामने हो रहा है कि आपके संज्ञान में होना बहुत आवश्यक है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जॉब पर लोग हैं, उसमें भी 60% पैसा भारत सरकार देती है। राज्य भर में लगातार लूटपाट और चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। नौजवान पीढ़ी नशे की पूर्ति के लिए चोरियां करने लग पड़े हैं जिसका ताजा मामला देखने को नाभा में मिला। नाभा ब्लॉक के गांव लुभाना में ये मामला पेश आया जहां देर रात बेबस पिता ने अपने ही नौजवान बेटे को मोटरों की तारें चोरी करके घर में ही जलाकर तांबा निकालते हुए रंगे हाथों गांव वासियों को पकड़वा दिया।
क्योंकि पिता अपने नौजवान बेटे से इतना डर गया था कि बेटा अपने पिता को ही जान से मारने की धमकियां देने लग गया था। गांववासियों की मदद से आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गांववासियों की मांग थी कि जैसे सरकार खराब हुई फसलों का मुआवजा देती है, अब किसानों की मोटर्स की केबल चोरी का मुआवजा भी सरकार दे, क्योंकि वे बार बार मोटर्स की तारें डालकर थक चुके हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बोल बड़ा बड़ा दादा कड़ा लाडी है मेरे कदा लाडी की का कड़ा मेरा मुंडा है मेरे कड़ा मेरा मुंडा तो तू ही है ओदा फट ले आ ओदा चक ले आ मेरे कदा हो ये हां एक हैप्पी हैप्पी की का दबारे फिर बनानी पौगी खदा की पांच मिनट बाद बनावा किथे बेचदे ने ए मामला सर चोरां दा जी ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਆ ਲਵਾਣੇ ਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਮੋਟਰਾਂ ਤਾਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਇਹ ਸਰ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਸੰਭਲੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਮਸਲਾ ਜੀ ਆਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਰ ਚਿੱਟਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੈਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੈਦੂਪੁਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਲਵਾਣਾ ਟੰਗੇੜਾ ਕੈਦੂਪੁਰ ਦੇ ਜੀ ਗੌਲ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵੀਰਾ ਬਾਜੀਗਰ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਸਰ ਦੋ ਫੜੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਤੀਜਾ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਪੀ 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 ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਆ ਜੀ ਹਲੇ ਦੋ ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਜੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੱਲ ਤਾਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਵਾਣਾ ਟੈਕੂ ਦੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਨ ਆਫ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਵਾਣਾ ਟੈਕੂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲਈ ਗਾਉਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤੋਂ ਕੋ ਚੈੱਕ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਕੇ ਗਾਉਂ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸੋਈਆ ਵਾਲਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ गांव की पंचायत को 5 लाख रुपए का चेक विकास कार्यों के लिए दे दिया गया। इस मौके पर जस्सी सोयावाला की ओर से स्कूल का दौरा भी किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कांग्रेस के पूर्व मंत्री या विधायक जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ विजिलेंस द्वारा शिकंजा कसा गया है और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो जी पंजाब सरकार जी आम आदमी पार्टी सरकार माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की अगवाई के हेठ जिहड़े अधूरे पे विकास कार्ज ने सूबे दे उन्हां पूरे कर रही है ते पिंडां दे विच वधिया नौजवानां दे खेड लई खेड ग्राउंड बनाए जा रहे ने ते जिहड़ा अधूरा विकास पिया जिवें सीवरेज दे काम रहिंदे ने गलियां नालियां जिथे अधूरियां पईआं ने सारे काम पूरे कीते ने क्योंकि माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दा सुपना कि मेरा पंजाब आ जिहड़ा मुड़ तों रंगला पंजाब बनाया जावे जिस नूं लै के असीं नौजवानां नूं रुजगार भी दे रहे हां
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਔਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ, ਸੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੇ ਰੁਕਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਕਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਮੋਟਰਸ ਕੇ ਸਟਾਰਟਰਸ ਔਰ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਤਾਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਚੋਰੋਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਵੇ ਇਨ ਚੋਰੋਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕੋ ਯੇ ਸਿਰਫ 100-200 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਬੇਚ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਇਸੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੋਂ ਸੇ ਕੀ ਗਈ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਗਾਓ ਮੈਂ ਔਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਕਬੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੋਂ ਕੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਥਾਣੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। SHO ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਹੀਂ SHO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਔਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਏ ਬੰਨੇ ਬੰਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕੱਢੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਐਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਗੇੜ ਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਤੇ 500 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਆ ਉਹ 4-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਟਾਰਟਰ ਲੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਤਾਂ 100-200 ਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜਾ ਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਓਰ ਸੇ 6 ਜੂਨ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ SSP ਦੇਹਾਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ SSP ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਨਹੋਨੀ ਘਟਨਾ ਕੋ ਹੋਣੇ ਸੇ ਰੋਕਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤੋ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਮ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਹੋਏ SSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤਰੀ ਅਟਾਰੀ ਕੇ ਗਾਓਂ ਮਹਾਵਾ ਮੈਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਸਮੇ DSP ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਚੋਟੇ ਲਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਈਟ ਰੇਟਿੰਗ ਚੈੱਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ
चैस प्रतियोगिता करवाई गई। इस चैस प्रतियोगिता में करीब 170 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अमृतसर डिस्ट्रिक्ट चैस एसोसिएशन के रोहित शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे पंजाब के अलग अलग जगहों से 170 के करीब खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें सबसे कम उम्र का खिलाड़ी 6 वर्ष का है। उन्होंने कहा कि इस चेस चैंपियनशिप में जो पहले 3 स्थान पर आएंगे उनको पंजाब स्टेट की ओर से चेस चैंपियनशिप के लिए भेजा जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन आज अमृतसर दे विच पंजाब स्टेट ओपन सीनियर चेस चैंपियनशिप हो रही है, जिदे विच पूरे पंजाब दे विच सारे डिस्ट्रिक्ट दे विचों लगभग 170 तो ज़्यादा प्लेयर्स भाग ले रहे हैं, जिदे विच सब तो घट एज का प्लेयर 6 साल का खेल रहे हैं और मैक्सीम एज के प्लेयर्स भी पार्टीसपेट कर रहे हैं। ये चैंपियनशिप चैस की अमृतसर 3 दिन चलेगी, जी 2 जून स्टार्ट हो रही है तो 4 जून खत्म होगी। ये जो पहले 3 प्लेयर्स होंगे उन्होंने पंजाब स्टेट वालों नैशनल चैस चैंपियनशिप वास्ते भेजा जाएगा। गुड मॉर्निंग, आई एम इंटरनेशनल आर्बिटर वरुण कुमार फ्रॉम जलंधर। सो टुडे वी हैव स्टार्टेड पंजाब स्टेट फेडरेटिव चैस चैंपियनशिप 2023। इट्स अ फेडरेटिंग इवेंट and the top 4 players will be represent to forthcoming senior national at Nasik, Maharashtra. So this is the remarkable entry in 167 in senior category, and it's a very very like now the craze in about the chess, the people are growing up, so that is our aim. So we want to chess promote every nook and corner in the Punjab. Thank you. परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय बल्लभ सूरी समुदाय के गच्छाधिपति शांति दूत परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्रीमद नित्यानंद सुरेश्वर जी की पावन निश्रा में जिनाले विधि मंडप में माता पिता स्थापना, इंद्र इंद्राणी स्थापना, 14 स्वपन दर्शन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव के 3रे दिन बनाए गए मंच पर वाराणसी के राजा का दरबार सजाया गया, जहां पर विभिन्न पात्रों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें भगवान के 14 स्वपन दर्शनों को चरितार्थ किया गया। राजा अश्वसेन एवं रानी वामा देवी बनने का सौभाग्य श्री आत्मबल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट एवं नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जवाहरलाल ओसवाल और अभिलाष ओसवाल को प्राप्त हुआ। महोत्सव के 3रे दिन राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, एमएसपी अमनीत कौर कौंडल, एसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन, नाहर ग्रुप के कमल ओसवाल, दमन ओसवाल, संदीप जैन विशेष तौर पर मौजूद हुए और गच्छाधिपति और अन्य साधु साध्वियों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर श्री आत्मबल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट के चेयरमैन जवाहरलाल ओसवाल, प्रधान सुरेंद्र मोहन जैन, महामंत्री विनोद जैन, कोषाध्यक्ष सीए राहुल जैन, ट्रस्टी मनमोहन सिंह जैन चेन्नई, मनोज जैन ट्यूडर, राजेश जैन मेघा, सुनील जैन कोहिनूर, रजनीश ओसवाल श्रेयांश, राजन जैन अरिहंत ज्वेलर्स, कमल जैन लास्को, नरेंद्र जैन निंदी, नरेंद्र जैन बब, राजेश जैन राजा सहित समूह जैन समुदाय के लोग उपस्थित थे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। Yeah.
जो मेरी तमन्ना ना आपकी तमन्ना लगे तो मेरे साथ बोलना क्या अब जीते जी मुझे जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए और जीते जी प्रभु से मुलाकात चाहिए और मेरे सर पे गुरु तेरा। देखो भाई साहब व्हाट्सएप के अंदर खो गए ये आत्मा तो व्हाट्सएप का त्याग करो बालक कि माया भी यंत्र है इससे कॉपी और पेस्ट है और बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट है कुछ आना जाना नहीं है इसमें कॉपी पेस्ट है थोड़ी देर कहिए प्रभु से नाता जोड़ना है तो बाहरी यंत्रों से नाता तोड़ना पड़ेगा और इस बार हाथ ऊपर करके गुरुदेव को कहना जब तक गुरुदेव दोनों हाथ से आशीर्वाद न दे नीचे चढ़ जाए नीचे चढ़ जाए जब तक गुरुदेव दोनों हाथ से आशीर्वाद न दे हाथ नीचे नहीं करना दोनों हाथ ऊपर करके अब सदगुरु कबीर जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित 22वीं प्रभात फेरी सदगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर जालंधर से निकाली गई। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए रवि भगत के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में यशपाल, तरसेम भगत, वरिंदर, सतपाल, संदीप, रजनीश, तरसेम लखोत्रा ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। बोलिए सो निरपै सतगुरु कबीर साहिब महाराज की जय। तन कबीर जय कबीर। सतगुरु कबीर साहिब जी का जन्म दिहाड़ा 625वां जन्म दिहाड़ा बहुत खुशी ते बहुत श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम नाल मनाया जा रहा है और सब संगतां नूं बेनती है हाथ जोड़ के कि वध चढ़ के इस दे विच हिस्सा लो और 3 जून नूं शोभा यात्रा है कि सब संगतां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि सब संगतां आके हिस्सा लो ते शांति दे नाल मनाया जावे। ते 4 जून नूं जन्म दिहाड़ा है जो बाबा जी दा केक रस्म होएगी, उहदे विच वी सारिआं ने वध चढ़ के हिस्सा लेना है।
धन कबीर जय कबीर। कुटिया बाबा सिद्ध जी बैरी वाले दरबार न्यू बलदेव नगर जालंधर से 27वां वार्षिक चाला बाबा अवतार सिंह एवं मुख्य सेवादार बीरा भगत की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे और ढोल ताशे के साथ रवाना हुआ, जिसमें दूर दूर से संगत बाबा जी के सुंदर झंडे लेकर बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए रवाना हुई। मुख्य सेवादार बीरा भगत ने बताया कि ये यात्रा दरबार से चलकर पीर निगाहें हिमाचल प्रदेश में पीरों के दर्शन करने के पश्चात बाबा बालकनाथ जी की नगरी शाहतलाई में बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करेंगे, जहां पर बाबा जी के नाम पर लंगर भंडारा भी लगाया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੀਰ ਨਗਾਹੇ ਔਰ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਜੈਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਕੁਟੀਆ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਜੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜੋੜ ਸਿੱਧ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। लुधियाना के दोराहा में श्री आत्म बल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट की ओर से निर्मित श्री मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ के अंजन शलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव के चौथे दिन कई मंगलकारी आयोजन संपन्न हुए। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय बल्लभ सूरी समुदाय के गठाधिपति शांतिदूत परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्रीमद नित्यानंद सूरीश्वर जी एवं अन्य साधु साध्वी वृंद की पावन निश्रा में भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, चारों ओर खुशियां छा गई और मंगल गीत गाए गए। महोत्सव के चौथे दिन विभिन्न पात्रों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर मुंबई से पधारे भजन गायक नरेंद्र वाणी गोता ने भजनों का गुणगान किया। इस दौरान युवतियों एवं नन्ही बच्चियों ने नृत्य पेश किया। महोत्सव में महेंद्र सिंह पूर्व चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स तेरापंथ समाज से कमल नवलखा कुलदीप जैन सुराणा विशेष तौर पर मौजूद रहे।
महोत्सव के चौथे दिन की नवकारसी का लाभ श्री शांति दूत भगत मंडल लुधियाना ने लिया। इस मौके पर श्री मणि लक्ष्मी धाम के निर्माता दिनेश भाई थलिया, ट्रस्ट के चेयरमैन जवाहरलाल ओसवाल, प्रधान सुरेंद्र मोहन जैन, महामंत्री विनोद जैन जैनसन, कोषाध्यक्ष सीए राहुल जैन, ट्रस्टी मनमोहन सिंह जैन चेन्नई, मनोज जैन ट्यूडर, राजेश जैन मेघा, सुनील जैन कोहिनूर, रजनीश ओसवाल श्रेयांस, राजन जैन अरिहंत ज्वेलर्स, कमल जैन लास्को, रमेश जैन बरड़, संजीव जैन स्वास्तिक, सुशील जैन यूनिमैक्स सहित समूह जैन समाज मौजूद रहा। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। हमारे श्याम मणिलाल लक्ष्मीचंद रिलीजियस ट्रस्ट के हमारे सम्माननीय श्री भरत भाई दिनेश भाई थलिया वाला परिवार ने हमारे पंजाब को इतना भव्याति भव्य गगनचुंबी शिखर व दिव्य भव्य कलात्मक तीर्थधाम बना करके दिया और उसमें त्रिशिखरी मंदिर है, तीन शिखर वाला मंदिर है, बहुत अद्भुत बेनमून कलात्मक मंदिर है और उसमें भगवान के मूल नायक भगवान के जमणी बाजू राइट हैंड की तरफ वासुपूज्य भगवान का बहुत सुंदर कलात्मक मंदिर है और उस मंदिर के शिखर के ऊपर कलश चढ़ाने का नाम है, स्वर्ण कलश है, बहुत बेनमून कलश है और उसमें भी देखिए कलश का विशेष महत्व है। हमारे जिन शासन में कलश का विशेष महत्व माना जाता है, यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन का नियम हो कि मुझे प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन करने के बाद ही मुंह में अन्न जल ग्रहण करना, किसी का संकल्प हो, नियम हो, अभिक्र हो, अगर वह व्यक्ति मजबूरी से अगर मंदिर में आने की स्थिति में नहीं है, कोई उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है, वह मंदिर में आकर के परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर भले आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर से भी अगर कहीं पर भी बाहर खड़े होकर के भी और मंदिर के कलश के दर्शन कर लेता है, मंदिर के कलश के दर्शन कर लेता है तो उसे परमात्मा के दर्शन जितना पुण्य मिलता है, परमात्मा के दर्शन जितना पुण्य मिलता है और उसका परमात्मा दर्शन का नियम भंग नहीं होता है, नहीं टूटता, नियम नहीं टूटता है, इतना कलश का महत्व है। परमात्मा के मंदिर के शिखर के ऊपर स्वर्ण कलश चढ़ाना इससे बड़ा कोई पुण्य होगा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा, बहुत सस्ते में बहुत बड़ा लाभ, इतने महान तीर्थ धाम के ऊपर शिखर के ऊपर कलश चढ़ाना। और देखिए ये कलश जो है एक बार ही चढ़ाया जाता है, दस दफा नहीं चढ़ाया जाता, कलश एक ही बार चढ़ाया जाएगा, केवल प्रतिष्ठा के अवसर पर ही यह कलश चढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसके परिवार के यश रूपी कलश चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। सतगुरु कबीर जी महाराज के 625वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में सीएमसी कंपनी जालंधर में केक काटा गया। इस मौके पर रोहन और नीरज ने ये केक काटकर सभी देशवासियों को सतगुरु कबीर जी महाराज के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अजय, राजेश कुमार, रमन कुमार,
मनप्रीत, विक्रांत प्रिंस और बंटी भी शामिल हुए। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। जय कबीर, धन कबीर। सारिया सूह संगतान सतगुरु कबीर महाराज की 625वें प्रकाश दिवस की लख लख वधाई। 3 जून विशाल शोभा यात्रा सतगुरु कबीर मुख मंदिर तो निकाली जाएगी, जिस विच सारिया समूह संगत अपना योगदान देन। तो उस उपलक्ष्य के अज असी CMS के केक की परिक्रमा की है, तो जिस विच सारे लख लख वधाई। 3 तरीक नूं अपने कबीर महाराज जी की शोभा यात्रा हैगी है, जिहड़ी भौरो कैंप अपने मुख्य मंदिर तो शुरू होएगी। तो पूरे शहर निवासियों नूं निमंत्रण हैगा कि सारे ने हुम हुमा के उत्थे पहुँचना है, तो साडी शोभा यात्रा का हिस्सा बनना। तो अपने जिहड़ा मुख्य मंदिर हैगा 4 तरीक नूं उत्थे साडे गुरु जी का प्रकाश उत्सव हैगा, तो सारे ने उत्थे शामिल होना, सत्संग हैगा उत्थे। तो अज साडे जिन्ने भी मेरे कंपनी के स्टाफ मैंबर सारे हैगे आ, तो उन्होंने अज साडे CMS दे विच केक कट्टिया हैगा, तो बहुत बहुत खुशी हैगी सानू। तो सारे नू लख लख वधाई है, तो सारे ने हुम हुमा के पहुँचना हैगा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नज़र डालें। अमृतसर के बटाला रोड पर बने पुल पर एक कार और मोटरसाइकिल की हुई जबरदस्त टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की पुल से नीचे गिरने से मौत। अमृतसर में एक युवक की लावारिस लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पा रही पहचान। लहरा गागा के एक गांव लहल कला के एक अहाते में 4 चोरों ने 400 अंडे किए चोरी, मालिक ने 2 को दबोचा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहें हलचल।